नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कौशिक किचन पर। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से मोमो। तरीका ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा गेहूं के हैं या मैदा के आटे से बने हैं। टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मोमो बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये एक इजी रेसिपी है, साथ में ये रेसिपी हेल्दी भी है, जिसे आप घर पर आसान तरीके से बना सकते हो। फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मोमो की स्पेशल रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए कटी पत्ता गोभी, कद्दूकस करी गाजर, एक बड़ी कटी शिमला मिर्च, एक बड़ी कटी प्याज, थोड़ा कद्दूकस करा हुआ नारियल, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच विनीगर, 2 बड़ी चम्मच तेल और 50 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है। आपको एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल डाल देना है। तेल गर्म हो जाने के बाद आपको इसके अंदर कटी प्याज डाल देनी है। प्याजे सोटे हो जाने के बाद आपको इसके अंदर सारी सब्जियां डाल देनी है। मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच विनीगर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना मोमोज बनने के बाद रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर कसा पनीर डाल देंगे। अब आप देख सकते हो मोमोज की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको मोमोज का डो तैयार करने के लिए बाउल के अंदर लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा डाल देना है। गेहूं के आटे के साथ आपको इसके अंदर 1 चम्मच नमक भी डाल देना है। आपको इसके अंदर पानी डालकर इसका रोटी जैसा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। आपको डो के ऊपर तेल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। डो सेट हो जाने के बाद आपको इसे इस तरीके से रोटी से पतला बेलना है, क्योंकि मोमोज की पतली लेयर ही खाने में अच्छी लगती है। अब आपको मोमोज के अंदर फिलिंग भर देनी है और कुछ इस तरीके से मोमोज का शेप दे देना है। आपको इसके अंदर ज़्यादा फिलिंग नहीं भरनी है, वरना मोमोज फट सकते हैं। अब आपको स्टीमर के मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से तेल लगा देना है और एक एक करके मोमोज मोल्ड के ऊपर रख देने हैं। आपको इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए स्टीमर के अंदर रख देना है। अब आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट के बाद मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कितने ज़्यादा यमी और टेस्टी बने हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिलेटिवों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।